नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इंडिया डेली पर। मैं दिनेश बेनीवाल। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों की क्रम व्यवस्था। अक्षरों की क्रम व्यवस्था में हम समझेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उसको किस क्रम से लिखा जाता है। रीजनिंग में वो चीज़ समझेंगे हम। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को हम निम्न दो व्यवस्थाओं में दर्शाया जा सकते हैं, या यूँ कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को निम्न दो व्यवस्थाओं में दर्शाया जा सकता है। पहला है रेखीय क्रम और दूसरा है वृत्तीय क्रम। वैसे मुख्यतः अंग्रेजी वर्णमाला को हम एक ही क्रम में लिखते हैं, वो लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर। लेकिन यहाँ पे हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तर्क शक्ति पढ़ रहे हैं और उसमें कोडिंग डिकोडिंग में इस चीज़ को दिया गया है, तो वहाँ पे रेखीय क्रम है और वृत्तीय क्रम है। रेखीय क्रम में हम अंग्रेजी वर्णमाला को दो रूप में पढ़ते हैं और वो दो रूप क्या हैं, बाएं से दाएं, दूसरा है दाएं से बाएं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि बाएं से दाएं किस प्रकार से लिखा जाता है। रेखीय क्रम है पहला है, इसमें जो अक्षर लिखे जाते हैं वो किस इस प्रकार से लिखे जाते हैं, ए बी सी डी ई, ऐसे क्रम से अपने अक्षर पहुंच जाते हैं और वो चले जाते हैं जेड तक। क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरा क्रम है अपना रेखीय क्रम में दाएं से बाएं। इसमें अक्षर लिखे जाते हैं दाएं, तो यहाँ से एक प्रारंभ होता है, फिर लिखते हैं बी सी डी ई, और वही बात है कि ये हम अंग्रेजी वर्णमाला का जो अंतिम अक्षर है जेड तक हम पहुंच जाते हैं। बाएं से दाएं का मतलब है कि हम ए से जेड की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम आम भाषा में पढ़ते हैं। दाएं से बाएं हैं कि हम इसको वापस पढ़ रहे हैं, ए इधर लिखा जाता है दाएं साइड में और बाएं की तरफ लेके आते हैं। ये तो था हमारा रेखीय क्रम। अब हम बात करते हैं वृत्तीय क्रम। वृत्तीय क्रम में किस प्रकार से करना है वो चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। वृत्तीय क्रम भी दो प्रकार का होता है। पहला है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। दूसरा है वामा व्रत। वृत्तीय क्रम में दो क्रम है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। दक्षिणावर्त को हम क्लॉकवाइज और वामावर्त को हम एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक ये हम कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम इसको समझने के लिए
दूसरा क्रम पढ़ रहे थे यहां पे, वृतीय क्रम है। वृतीय क्रम में हम पहला ले रहे हैं दक्षिणावर्त, जिसको हम क्लॉक वाइज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, या यूं कहें कि घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन, सुइयों की दिशा में घूर्णन, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से है। ये एक व्रत है और इसमें हमें किस प्रकार से होता है, ए बी सी डॉट डॉट एम डॉट डॉट, इस प्रकार से हमारी वर्णमाला आगे तक बढ़ती चली जाती है। जेड ए से हम इस दिशा में चलेंगे, द यानी दायां, दाएं हाथ की तरफ हम अपने को ले चलना है। क्लॉकवाइज आ जाए जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लॉकवाइज शब्द आ जाता है जब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि क्लॉक यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में घूर्णन। घड़ी की जो सुइयां होती हैं दाएं हाथ की तरफ घूमती हैं, उसी प्रकार से द मतलब दक्षिणा दाएं हाथ की तरफ घूमना होता है। क्लियर आया समझ में? अब हम बात करते हैं वामावर्त, दूसरा है वामा व्रत। ई एन टी आई सी एल ओ सी के डब्ल्यू आई एस ई, या यूं कहें कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूर्णन। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। आइए अब हम इसको एक चित्र के डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये एक अपना व्रत है और इस पे किस प्रकार से दी होती हैं, ए बी सी एम जेड। ये अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जेड है जो बाएं हाथ की तरफ लिखा गया है, अर्थात घड़ी की जो सुइयां हैं उसके विपरीत दिशा में इसको घुमाया गया है। वामावर्त में अर्थात एंटी क्लॉक, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमना, इसको जो घड़ी की सुइयां हैं उसके विपरीत घुमाया गया है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला को। जबकि दक्षिणावर्त में क्या किया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सुइयों के दिशा में घुमाया गया है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे रीजनिंग में कुछ सवाल इससे संबंधित आते हैं। जब हम रेखे क्रम पढ़ रहे थे तो रेखे क्रम से ए से और जेड तक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ए से जेड तक। अगर हम से ये पूछा जाए कि जेड के बाद क्या अक्षर आ रहा है तो हम रेखे क्रम में नहीं ज्ञात कर सकते। ज्ञात कहाँ कर सकते हैं, हम वर्तीय क्रम में ज्ञात कर सकते हैं, और वर्तीय क्रम में हम दक्षिणावर्त में भी ज्ञात कर सकते हैं और वामावर्त में। यहाँ पे अगर हमसे क्वेश्चन कोई कर लेता है कि ए से पहले क्या है, ए के बाद क्या है, बी, लेकिन ए से पहले क्या आया है, इधर जेड, क्लियर।
आगे पीछे के अक्षर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जेड के आगे पीछे के जो अक्षर हैं वो ज्ञात नहीं कर सकते। इधर का अक्षर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो शब्द आएगा वो ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस या टाइप किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। टाइप फर्स्ट, और टाइप फर्स्ट का पहला नियम है जब अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े। कोडिंग डिकोडिंग के अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें टाइप फर्स्ट है, नियम एक है, क्या है, जब अक्षर अपने स्थान से आगे बढ़े। इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में फोर को एच क्यों टी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सी ओ एम ई को किस प्रकार लिखेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में एफ ओ आर को एच क्यों टी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कम फोर को लिखा गया है क्यों, तो हमसे पूछा गया है क्यों का आंसर पूछा गया है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, एफ ओ आर को लिखा गया है एच क्यों टी। यहाँ पे हम इनका कोड निश्चित करते हैं, छः है सांकेतिक भाषा में, कि इनका जो क्रमांकिक मान है वो हम देख रहे हैं, छः है, 15 है, 18 है, यहाँ पे 8 है, 17 है, 20 है। अब हमें यहाँ पे इनमें संबंध देखना है कि किस प्रकार से संबंध हुआ है। 6 2 8, 15 2 17, 18 2 20, हम समझ सकते हैं कि इसमें जो अक्षर हुए हैं वो अपने स्थान से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इनका जो सांकेतिक मान हुआ है उसमें F का H, O का Q, R का T है, और सभी में दो दो अक्षर आगे बढ़ाए गए हैं।
क्या किए गए हैं, सब में दो दो अक्षर, यहाँ पे भी प्लस दो प्लस दो प्लस दो हुआ है। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे सी ओ एम ई कम में क्या करना है, तीन पंद्रह तेरह पाँच, ठीक है। यहाँ पे प्लस दो प्लस दो प्लस दो प्लस दो करना है, प्लस दो करेंगे तो पाँच, पाँच पे आता है ई, प्लस दो करेंगे तो सत्रह, सत्रह पे आता है क्यों, प्लस दो करेंगे तो पंद्रह, पंद्रह पे आता है ओ, प्लस दो करेंगे सात, सात पे आता है जी। अर्थात फोर को एच क्यू टी लिखा गया था, उसी प्रकार सी ओ एम को क्या लिखा जाएगा, ई क्यू ओ जी। जो कंडीशन इसमें लागू हुई है वो कंडीशन अपने को यहाँ पे फॉलो करना है, बस सिर्फ अपने को क्या देखना है, ये चीज़ें देखनी है। और इनको देखने के लिए सबसे पहले जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है इनका क्रमांकिक मान, वो हमें ध्यान रखना है, उस तरीके से हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्द अल्प समय में इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नियम दो, नियम दो की बात करेंगे यहाँ पे। नियम दो, जब अक्षर अपने स्थान से पीछे जाए या हो, इस टाइप को भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। इसमें होता क्या है कि जो कुछ अक्षर जो होते हैं उनका जो स्थान है या उनकी जो कोडिंग है वो पीछे की तरफ दी होती है, अक्षरों से पीछे की तरफ दी होती है। किस प्रकार से, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए हम लेते हैं एक क्वेश्चन, किसी कोड में राम को क्यों जेड एल लिखा जाता है, तो उसी कोड में, उसी कोड में एच आई टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे उसी प्रकार से सोल्व करना है जो कि पिछला सवाल हमने पिछले टाइप का किया था। आर ए एम का जो कोड है वो है क्यों जेड एल, और पूछा गया है जो क्या है एच आई टी, वही करना है हमें। यहाँ पे कोड निश्चित करना, इनके संकेत क्रमांकिक मान निश्चित करना है, 18 1 13
17, 26 और यहाँ पे 12। हमें यहाँ पे इनमें अंतर संबंध देखना है। यहाँ पे माइनस क्या हो रहा है, एक हो रहा है, और यहाँ पे माइनस एक हो रहा है। कैसे? 18, 17, 13, 12, 1, 26। अब ये 1, 26 वाला जो मामला है, इसको हम यहाँ पे गौर करके देखते हैं। हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है वृत्तीय क्रम और रेखीय क्रम। तो हमने जो चीज़ पढ़ी है वो वृत्तीय क्रम में, वो भी वामावर्त में पढ़ा है या दक्षिणावर्त में पढ़ा है कि ये ए है, बी है, सी है, डी है, और ऐसे हम चले जाते हैं जेड। तो जेड के जो पीछे का शब्द है इधर, वो क्या है? ए से पीछे का जो शब्द है वो क्या है? जेड। और ए से आगे का क्या है? बी। तो हमें पीछे का अक्षर ज्ञात करना है। यहाँ पे पीछे का क्या है? जेड। तो यहाँ पे भी माइनस एक हुआ है। क्लियर? तो वही चीज हमें फॉलो यहाँ पे करना है। पहले इनका क्रमांकिक मान है वो ध्यान देना है, 8 है, 9 है, 20 है। क्लियर? उसके बाद हमें फॉलो करना है कि क्या हुआ है, माइनस एक हुआ है। तो उसी प्रकार से हमें माइनस एक 8 माइनस एक तो क्या हो गया, 7। 7 पे आ गया जी। यहाँ पे करना है 9 माइनस एक तो 8 आ गया, और 20 माइनस एक तो क्या आ गया, 19 आ गया। 8 पे आता है H और 19 पे आता है S। क्लियर? तो HIT का जो कोड होगा वो होगा GHS। किस प्रकार से? जिस प्रकार से RAM को लिखा गया था QZL, इसमें जो अंतर संबंध पाया गया है वो पाया गया है -1, -1, -1। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे क्या करना था, -1, -1 करना था। तो इनमें किस प्रकार से आया है HIT का -1, -1 करने से GHS। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।